पाइनएप्पल, ऑरेंज, आइसक्रीम सोडा, लीची, पीच, बादाम, गुआवा, मैंगो, ये सारे फ्लेवर दस्तियाब है। जितने फ्रूट्स हैं उतने फ्लेवर्स मौजूद हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ मखसूस बनाते हैं। तमाम ही देखने और सुनने वालों को जैन रजा का सलाम अर्ज है। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मशहूर चौरंगी फाइव स्टार पर, जो कि नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में मौजूद है। मेरे अकब में जो दुकान देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 13 लिमके के फ्लेवर ये जो है बनाते हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मौजूद हैं दुकान पर, उनके वालिद साहब ने ये रेसिपीज़ ख़ुद बनाई हैं। और इनका कहना है कि 2002 या 2003 से ये इस काम में है, और उस वक्त बहुत कम लिमके वाले उस वक्त हुआ करते थे। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह ये बनाते हैं रेसिपी, और कितने फ्लेवर्स हैं इनके पास जो बनाते हैं, और क्या राय है लोगों की जो इनके पास आते हैं, किस किस्म की राय वो लोग देते हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं सबके बारे में। मैं करीब 7-8 साल का था तब मैंने फर्स्ट टाइम लिमका पिया था। और ये है कि प्रोफेशनली इस फील्ड में आए हुए हमें करीब ये 2003 में हम इस फील्ड में आए, और मेरे वालिद साहब ने 2002 में ये काम सीखा, और फिर उसके बाद से जो है अब तक हम ये काम कर रहे हैं। ऐसे तो इसके 42 के करीब फ्लेवर्स मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई 13-14 फ्लेवर बनाते हैं। और इसमें हम ख़ास तौर पे लेमन के अंदर 5 या 6 टाइप के मॉकटेल्स भी बनाते हैं। उन मॉकटेल्स के अंदर, जैसे लेमन बेसिकली आपने पिया होगा, जैसे लिमका भी कहते हैं लाहौर में ख़ास तौर पे, वो ठा के नाम से मशहूर है, तो इसके अंदर हम ब्लूबेरी फालसा मिक्स करके एक अपना एक फ्लेवर बनाते हैं। इस तरह से करीब 5 या 6 हम अपने फ्लेवर्स ख़ुद बनाते हैं। तो उनकी भी, उनमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ डार्क नाइट चलता है, वो ख़ास तौर पर बनता है लेमन, ब्लूबेरी और फालसा मिक्स करके। पहले फूड कलर्स और फूड एसेंस दस्तियाब नहीं थे। जिस तरह से आप ब्लूबेरी को ले लीजिए, ब्लूबेरी पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं था, फूड कलर भी नहीं था और इसका एसेंस भी नहीं था। जिस तरह से ये मार्केट में आते गए हैं, हम नए तजुर्बे करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है कामयाब रहा है। ये जो आदमी चाय बना सकता है वही सिरप बना सकता है, इतना आसान है ये। कोई इतना मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ये आसानी से बन सकता है। आपको चीनी का शीरा बनाना होता है, जब शीरा ठंडा हो जाए उसमें बिल्कुल 5 या 6 कतरे एसेंस के और बिल्कुल कम मिकदार में आपको फूड कलर मिलाना होता है और आपका एसेंस तैयार हो जाता है। कराची में एक रुझान है, और आमतौर पे कराची की देखा देखी पूरे मुल्क में रुझान शुरू हो जाता है, लिमका का बहुत रुझान बढ़ा हुआ है। और अब जैसे आप ये देखते हैं, जब नया पिज़्ज़ा आया उसके 2 या 3 साल बाद हर गली मोहल्ले में पिज़्ज़ा की दुकान खुल गई। इसी तरीके से एक चाय का ट्रेंड आया था अभी कुछ अर्सा पहले, हर जो है वो अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे हर जगह चाय का छोटा सा ढाबा खोल के कुर्सियाँ लगा के, एक साहब आपके इस्लामाबाद वाले काफ़ी मशहूर भी हुए थे और फिर वो सोशल मीडिया से होके वापस भी आए। तो ये इसी तरीके से इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो लिमका का चल रहा है, लिमका और सोडा का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे अक्सरियत मुझे बाय फेस जानती है, तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ के जो है, और आप भी इसी तवस्सुत से ही यहाँ पे आए। मैं इस वक्त जो है वो काम कर रहा हूँ इंटीरियर सन में। मैं सखर में कुछ ऐसी जगह देखी हैं, और इसके अलावा जैसे अभी आपसे जिक्र हुआ कि इस्लामाबाद भी कभी चक्कर लगा, तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद, लाहौर, मेरे कुछ दोस्त लाहौर में हैं स्कूल्स के, लोग भी मुझे बहुत जो है वो एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि मैं लाहौर आऊं और ये काम वहां पे शुरू करूं।